मन लग गया मेरा तो, मैं तो यहाँ रहा हुआ हूँ ना। हाँ। और यहाँ से लगा हुआ तो था ही मेरे को। हाँ। और नौकरी के हिसाब से वहाँ रहना पड़ा। अच्छा, और बच्चों का अच्छा लगता गाँव? हाँ, मेरे बच्चों का तो बच्चों की डिमांड पर बनाया है। अच्छा, ये मेरा जो नोएडा में लड़का है ना। हाँ। उसको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो आते हैं गाँव? हाँ, वो तो हर हफ्ते में आते हैं। नहीं, उसे गाँव बहुत अच्छा है, लेकिन 15 दिन में आ जाता है। हाँ, नोएडा से नज़दीकी हुआ है। नज़दीक है, वीकेंड पर आता है। 330-335 किलोमीटर है। हाँ, 5-7 घंटे वास्ते। तो आपको अभी गाँव कैसे लगा भाई साहब? गाँव में बहुत अच्छा लगा, गाँव तो है ही अच्छा। हाँ, तो दुनिया के सब गांवों से अच्छा गांव है। हाँ, देखो आपका रोड कनेक्ट है। हमारा घर जो है रोड कनेक्ट है, उसकी वजह से बहुत अच्छा हो गया। हाँ। तो पानी की दिक्कत आ गई? पानी की दिक्कत है। हाँ। और ये हम ऊपर होने चाहिए, उतनी पानी की दिक्कत हमको तो नहीं है। हाँ। क्योंकि ये दिनेश ने भर के भी रखा था टैंक। हाँ। और तो भी और बच्चे महीने में 15 दिन में एक चक्कर घूमकर। हाँ, अभी जैसे उसको छुट्टी हुई है, जैसा उनका वो आता है, आते रहता है वो। हाँ। अभी फिलहाल तो आते रहता, फ्यूचर में क्या करेगा पता नहीं। अच्छा, तो बच्चे ने ही कहा कि मकान बनाओ? हाँ, नहीं, मकान तो हमारा प्लान था ही दोनों का। हाँ। तो बीच में जब अड़चन आने लगी तो हमने बोला छोड़ो यार, क्या बनाने का है, शहर में बनाएंगे तो कुछ। हाँ। उसका अर्निंग भी हो सकती है। हाँ। पर फिर वो लड़के ने बोला नहीं, गाँव में बनाएंगे, नहीं तो हम कहाँ, वो ये मनसुख खत्म नहीं चाहो? हाँ, मनसुख खत्म चौहान का। हाँ, चौहान का होटल है वो, उसमें आते थे। उसमें हम खरीद रहे थे उसको, होटल को, होटल नहीं, उसको 2 रूम खरीदे, 2 रूम। अच्छे अच्छे हाँ, वो 10-10 लाख में 2 रूम दे रहा था। अच्छा, मतलब 20 लाख में 2 रूम दे रहा था। हाँ। तो हमने दिमाग लगाया 20 लाख में इसमें खर्चा करेंगे तो हमारा तो मकान बन जाएगा। और जबकि आपकी रोड पर जमीन है, जमीन है, और वहाँ तो यहाँ गाँव भी है। हाँ, ये जमीन भी पहले जमीन नहीं थी। अच्छा, ये पहले भीड़ जी हो। हाँ, भीड़ जी। हाँ, तो काट के जमीन तो निकल गई। हाँ, देखो क्या मकान बन जाएगा अलग से, और मेन रोड पर है, मेन रोड मनसुखत में तो नीचे जाना पड़ेगा। हाँ। तो भाव, मुझे बहुत खुशी है, कोई आदमी दिल्ली में रह के और गांव के प्रति उनका सोच है कि अगर मकान बनाना है मकान तो गांव में बनाना है, देश भी यही था। हाँ। मैं बोला एक तो हमारा ये टॉप पॉइंट पे है और सभी लोगों की जमीनें हैं। हाँ, जमीन ये ऊपर रोड के किनारे किनारे सारे गाँव वालों की जमीन है, जो बाहर रहते हैं उनकी भी है, जो गाँव में रहते हैं उनकी भी है। मैं बोला कोई हमको देख के बनाएगा भाई? हाँ, देखा देखी करेगा ना। हाँ, अभी तक तो कोई, मैं तो आपको, मैंने नाम सुना था, मैं पंडित जी के भाई के रहते हैं। हाँ। मैं आपको फर्स्ट टाइम पहली बार देख रहा हूँ। हाँ, सही है। अच्छा, मैंने सुना मकान बना रहे, मुझे बहुत खुशी, मैंने कहा बम्बई में रह के आज मकान बना रहे गाँव में, तो मकान बना के उनके बच्चे आएंगे, भले अब रोजगार ना होने का, रोजगार के लिए वहाँ जाते हैं, लेकिन सही है। अब देखो आजकल जून का महीना मस्त मौसम है, सही बात, ठंड सुबह शाम ठंड है, ठंड है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता। हाँ। है, और हमारी तबीयत भी ठीक नहीं रहती ना। हाँ। इसके लिए अभी गांव में जाना तो मुश्किल हो गया। हाँ। गांव में हम नहीं जा रहे, ऊपर अगर नीचे गए तो ऊपर चढ़ने में तकलीफ हो रही है। घुटनों में दिक्कत है? घुटनों में नहीं तकलीफ, मेरे को हार्ट का प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा, तो सांस लग जाती है। तो देखो ठंडी हवा चल रही है, ठंडी हवा। तो मैं कहा पंडित जी मिल के आता हूँ, कल भी आया था, मम्मी मेरे को चलो आज मिल के आते हैं, क्योंकि मिल के आते हैं, ऐसी जामी थाम जाएगी और मिल जाएंगे। तो आप तो बम्बई में शिफ्ट कर दिया है नोएडा? हाँ, मैं असल में नासिक में रहता हूँ। अच्छा, नासिक। बम्बई में मेरे पिताजी रहते थे। अच्छा। अभी पिताजी तो एक्सपायर्ड हो गए हैं। हाँ। और मेरे और 3 भाई हैं बॉम्बे में। अच्छा, 3 भाई और हैं बॉम्बे में। बम्बई में वो भी आते गाँव? वो नहीं आते गाँव। अच्छा, जो हमारे पंडित जी थे महेशानंद जी, उनके भाई साहब के बच्चे भतीजे, तो आप भाई साहब कहाँ रहते हैं? बम्बई में? हम नासिक में रहते हैं। नासिक? तो नासिक में तो गए हुए हैं, नासिक में त्रिम्बकेश्वर मंदिर है, वहाँ वही रहते हो? त्रिम्बकेश्वर है, सपोवर है, गोदावरी है, गोदावरी नदी है वहाँ, पंचवटी है, गोदावरी नदी के किनारे। तो आपके बच्चे भी वहीं रहते हैं? बच्चे, मेरा एक लड़का नोएडा में है। हाँ। और एक लड़का मुंबई में है। मुंबई में? और सबकी शादी हो चुकी है? हाँ, दोनों की शादी। तो मैं ये तो सुना था उनका, हमारे जो पंडित जी उनके भाई हैं, आज आप देखा नहीं है, हमने आपको ना नाम सुना था, मुंबई रहते हैं। तो इनकी दादी है गंगाधर जी। हाँ, तो वो हाय मुंबई रहे, करके गए दसवीं पास। अच्छा, और उसके बाद
आपके बच्चे भी वहीं सेटल हो गए? हाँ मेरे बच्चे भी, एक नासिक में है, एक बम्बई में है। ना एक बॉम्बे में है, एक दिल्ली में है। दिल्ली में है। शादी होगी उनकी? शादी हो गई, ये नाती है दोनों की। अच्छा अच्छा, ये कंपाउंड कर रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक, वो बढ़िया है। तो आपको गाँव कैसे लगता है? गाँव गाँव अच्छा ही लगता है, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है कहीं। अच्छा, जैसे कभी लाइट की है, पानी की है, या सब बाकी तो सब ठीक ही है। और यहाँ पर तो गांव के लोगों में जागृति आनी चाहिए कि बाहर के लोगों को आने के लिए प्रोत्साहित करें, ना कि ना आए करके उनको और परेशान करो। हाँ सही बात है, हम पिछला बहुत परेशान हो के जब तू आ गए तू पड़ोस बैठ जाओ तो भलो है, जब तू लोग है तो मतदान बढ़े कर अच्छे लगेगा। मैं तो यही यहाँ रहा हूँ, मेरे को तो अच्छा लगा, इसके लिए बनाया ना घर। और यहाँ पर मेरे अपने लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, सारी दुनिया जा रही है यहाँ से, वहाँ को जाने आने वाले लोग सब जानते हैं। अच्छा, ये मकान के नीचे ठीक रोड है, रोड के नज़दीक मकान बना रखा है भाई साहब ने, और जो बम्बे रहते थे, और मकान की लोकेशन A1 है, और यहाँ से मार्केट 100 मीटर दूर मार्केट है, तत्काल हॉस्पिटल है। और मुझे बहुत ही खुशी हुई कि लोग शहर में रह के गाँव में उनका लगाव है, और अब ये चादरी कर रहे हैं ताकि एक बाउंड्री वाल हो जाएगी। ये रोड है, तो रोड पर टच है मकान, और देखो इतने रोड पर ये फायदा कि यहाँ इजीली से गाड़ी आ जाती है, और कोई सामान लो और अब तो गाड़ी ऊपर भी आएगी। हाँ ऊपर भी आ जाएगी। हाँ तो ऊपर आप पार्किंग बना दोगे यहाँ पर? हाँ यहाँ पर पार्किंग गाड़ी आएगी, वहाँ से आएगी, यहाँ से स्लो फॉलो करेंगे। हाँ आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। ये किचन बंद करो, बंद करो। बैठो फिर, चलो समझा ला। जैसे तुम यहाँ गए, तुम मकान बनाए, तो ऐसे लोग मकान बने तो कुछ प्लान कम होगा ना। आप बने तो तब है ना, अब जब आए, जब कोई खुश हो फिर जरा बताए, नहीं जो आदमियों को पता नहीं रहो कि को काम करो, यो अब जरा पूछो, जब बड़ा सही बता दी है ना, तो तब लोग बने। जब कोई सहयोग नहीं करो तो करो यार, ये तब करो ना, क्या जो पैसे का तहा शहर में लोगों पैसे मिले लोग, ये पंजाब आता रहो जाता रहो पड़ोस जानकारी है तब तो नहीं, थोड़ा मतलब उन लोगों को सोचना चाहोगे, जब जतो लोग हैं उतो विकास हो, लोग जतो उनको वोट मिले उतो तो और विकास है कि नहीं। अब तुम ये ऊपर ही अटते रहला कि हमको घा मिलो और कोई भी आला जाओ तो फिर कोई ना, हमारो उलीपन, हमारो उलीपन, ये गलत सोच है, ये गलत सोच। और तुम्हें मकान बनाए तो तुम यहाँ आटम से तुम जहाँ से हम तुम्हें मिलूंगा, तो 10 आदमी में अटैचमेंट में तो हम खाली सुनो कि वो बम्बई रहनी। अब ये पहले लोग जाने ना विचार, तो सब नमस्कार के बैठो, क्या आया अभी हम वो? अच्छा नंद आता नहीं कुछ भाषा, अच्छा